जयपुर पुलिस ने सोशल मीडिया पर सरकार विरोधी अफवाह फैलाने के मामले में पूर्व पार्षद और वर्तमान में पार्षद पति के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है। बता दें कि काशीपुर नगर निगम के स्टोर प्रभारी जगदीश सैनी ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि पार्षद पति व पूर्व पार्षद रहे अब्दुल कादिर द्वारा उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही तमाम योजनाओं को लेकर सरकार के विरोध में अफवाहें बनाकर सोशल मीडिया पर सरकार का दुष्प्रचार किया जा रहा है। तहरीर में यह भी बताया गया है कि पूर्व पार्षद द्वारा विगत 1 मई को जिला प्रशासन को एक झूठी शिकायत प्रेषित भी की गई थी। उन्होंने ये भी बताया कि इससे पूर्व भी अब्दुल कादिर द्वारा लगातार मंत्रियों, वर्तमान सांसद तथा अन्य जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी सोशल मीडिया के माध्यम से की जा रही है। वहीं एएसपी राजेश भट्ट ने बताया कि अब्दुल कादिर द्वारा पूर्व में प्रदेश सरकार द्वारा राशन वितरण प्रणाली को लेकर सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ टिप्पणी भी की गई थी, जिसके चलते पुलिस ने नगर निगम के अधिकारी की तहरीर के आधार पर पूर्व पार्षद व पार्षद पति अब्दुल कादिर के खिलाफ 54 आपदा अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है। ये नगर निगम के स्टोर कीपर है जगदीश सैनी, उनके द्वारा एप्लीकेशन दी गई है कि जो खाद्य वितरण चल रहा है राहत आपदा राहत के अंतर्गत, उसमें इनके द्वारा गलत टिप्पणियां की गई हैं, भ्रामक टिप्पणियां की गई हैं। तो इसी क्रम में उनके द्वारा अभियोग पंजीकृत करने हेतु एक एप्लीकेशन दी थी, जिसके क्रम में उस पर मुकदमा कायम किया गया है। ये सेक्शन 505 सबसेक्शन 2 और 188 के अंतर्गत ही अभियोग पंजीकृत किया गया है।